खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए tv100news.com और इस बेल आइकन को दबाकर ताजा तरीन देश भर की खबरें पाएं सबसे पहले। अब सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, सरकार की बकाया राशि मांगने का परिणाम मिला जख्म। विद्युत विभाग अधिकारियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शामली के थाना क्षेत्र कांदला के गांव रसूलपुर में जेई बासिक अलीवा लाइनमैन किसान से बिजली का बकाया बिल मांगने गए थे, तभी ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के जेई को पकड़ लिया और लाइनमैन व जेई दोनों को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर गाँव में पीटा। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष नरेश कुमार सिंह चौहान को दी गई, जिसने कार्रवाई को तेजी से करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। वह संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई। सही लाइनमैन के साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है? इस पर 1,00,000 रुपए का बकाया था हमारा, तो हमारा छूट की योजना है उसे बताने के लिए इन्हें कहा था कि जमा कर ले, तो ये गए, इन्होंने इसे बताया तो उसे कहा कि तुमने हम करके परेशान उठा के इनके साथ गाड़ी की बच्चे को मारपीट शुरू कर दी लोगों के साथ और जान से मारने की धमकी दी। मैं ऐसे में बंद करता हूँ। अब तहरीर किसकी तरफ से गई है इसमें? तहरीर वासीकली जेई की तरफ से ही गई है। जेई की तरफ से पुलिस ने क्या इसमें कार्रवाई? पुलिस ने दो आदमियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, एक भाग गया इनमें से। पुलिस का दिखा रहे खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए tv100news.com और इस बेल आइकन को दबाकर ताजा तरीन देश भर की खबरें पाएं सबसे पहले।